Page number 82, exercise 1 pe aaya. अच्छा वन नंबर एक्सरसाइज इस तरह ना आपने एंट्रीज पास करनी है, बात समझे, लेकिन इसमें आपको फिगर्स नहीं दिए हुए, बस आपको कुछ कोड्स बताए हुए हैं और कहते हैं डेबिट और क्रेडिट में वो कोड नंबर आप लिखो बस। ये असल में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अक्सर टीचर्स ये कराते भी नहीं है लेकिन कुछ पता नहीं लगता। मेरा खुद ही कहा है कास्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कोई क्वेश्चन भी नहीं छोड़ सकते, अगर आपने एक ही क्वेश्चन पूरे चैप्टर में छोड़ दिया और वही आ गया तो आप नहीं कर सकोगे, ये हो ही नहीं सकता इस तरह के आप वो कर सके, क्योंकि तो हर क्वेश्चन ऐसा है कि आप खुद ही तो नहीं कर सकते जब तक आपने वो किया ना हो, तो इस वजह से ये हर किस्म का क्वेश्चन इसमें करना पड़ता है, लेकिन अक्सर टीचर्स ये गैर जरूरी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन मैं कराता हूं कि कुछ पता नहीं लगता कि अगर पेपर में आ ना जाए इस किस्म का क्वेश्चन भी। बहरहाल एक्सरसाइज वन को देखें, इसमें कोड्स दिए हुए, बस डेबिट और क्रेडिट में कोड्स लिखने हैं और कुछ सिलेक्टिव एंट्रीज मांगी है, सारी एंट्रीज नहीं मांगी, कुछ सिलेक्टिव एंट्रीज मांगी है, तो बस जो जो एंट्री उसने मांगी है वो एंट्री आप पास करो। The following accounts were taken from the ledger of Arlington Company. Account receivable का कोड है A, accrued payroll का कोड है B, cash का कोड है C, cost of goods sold का कोड है D, applied FOH का कोड है E, FOH control का कोड है F, employees income tax का कोड है G, federal unemployment tax का कोड है H, FICA tax का कोड है I, finished goods का कोड है J, मटेरियल का कोड है के, पेरोल का कोड है एल, सेल्स का कोड है एम, मार्केटिंग एक्सपेंस का कोड है एन, स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स का कोड है ओ, अकाउंट पेबल का कोड है पी, वर्क इन प्रोसेस का कोड है क्यू। नाउ द करेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट लेटर्स फ्रॉम द लिस्ट अबव। आप करेक्ट डेबिट और क्रेडिट मेंशन करेंगे। अभी हम बनाते हैं जर्नल बुक, तो बस डेबिट और क्रेडिट में कहते हैं ये कोर्स मेंशन करो, दोबारा पढ़े रिक्वायरमेंट्स को, द करेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट लेटर्स फ्रॉम द लिस्ट अबव। पहला पॉइंट, पेड अकाउंट पेबल ड्यू, जी अकाउंट पेबल की क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है। अच्छा क्या एंट्री होगी जब पेमेंट कर दी हो, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अच्छा चेक करो ऊपर अकाउंट पेबल का कोड क्या है, अकाउंट पेबल का पी, बिल्कुल, और कैश का कोड क्या है सी, बस ये तरीका, बस डेबिट और क्रेडिट में ये कोड लिखते थे। नेक्स्ट, इशूड डायरेक्ट मटेरियल एंड फैक्ट्री सप्लाईज, फैक्ट्री सप्लाईज किसको कहते हैं, ऑयल मोबाइल ग्रीस, ये फैक्ट्री सप्लाईज होती है, ये इनडायरेक्ट मटीरियल कहलाता है, तो इशूड डायरेक्ट मटीरियल एंड फैक्ट्री सप्लाईज फ्रॉम द स्टोर रूम, कहता है स्टोर रूम से आपने डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया, इशू का मतलब प्रोडक्शन में डाला। मैंने आपको कहा इसमें बीच बीच में से सिलेक्टिव एंट्रीज मांगी है, तो बस जो मांग रहे आप जवाब वही दो, तो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल आपने इशू किया प्रोडक्शन के लिए, तो डायरेक्ट मटीरियल के लिए वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनडायरेक्ट मटीरियल के लिए एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और फिर क्रेडिट किसको कर देंगे, मटीरियल अकाउंट क्रेडिट, बिल्कुल। वर्क इन प्रोसेस का कोड देखो तो क्या है क्यू, एफओएच कंट्रोल का कोड देखो तो एफ, और मटीरियल का कोड देखो तो के। नेक्स्ट, रिकॉर्डेड पेरोल, पेरोल रिकॉर्ड करो इंक्लूडिंग एम्प्लाइज फीका कंट्रीब्यूशन एंड इनकम टैक्स विद हेड, इधर पेरोल रिकॉर्ड करो और इस पे कौन सा टैक्स काटा जाएगा, फीका टैक्स, और कौन सा टैक्स काटा जाएगा, इनकम टैक्स। तुम्हारा पेरोल को रिकॉर्ड करो तो पेरोल अकाउंट डेबिट, जितना फीका टैक्स काटा जाएगा तो फीका टैक्स पेबल अकाउंट क्रेडिट, जितना इनकम टैक्स काटा जाएगा तो इनकम टैक्स पेबल अकाउंट क्रेडिट, और जितनी आपकी बकाया तनख्वाह होगी तो उसके लिए एक्रूड पेरोल अकाउंट क्रेडिट, बकाया तनख्वाह के लिए लफ्ज़ों से इस्तेमाल कर लोगे एक्रूड पेरोल। अच्छा चेक करो पेरोल का कोड क्या है एल, फीका टैक्स का कोड क्या है आई है, इनकम टैक्स का कोड क्या है, तो इनकम टैक्स का कोड है जी है। अच्छा और एक्रूड पेरोल का कोड क्या है बी है, तो ये एक्रूड पेरोल का कोड आपका क्या आ जाएगा बी, आपका एक्रूड पेरोल का कोड है, ठीक है। नेक्स्ट,
distributed the payroll, payroll ko distribute karo, which consists of direct labor, indirect labor and sales salaries, salesman salaries. Kaise payroll ko distribute karo, jo ke mushtamil hai, kis kis cheez par, direct labor par, indirect labor par aur salesman ki salaries par. Tumhara payroll jab aap distribute karte ho, maine bhi samjhai hui hai, ye debit hai, isko distribute karne ke liye kya karoge? Credit, ispe jo direct labor hoga, work in process account debit for direct labor, jo indirect labor hoga, FOH control account debit for indirect labor, aur iske ilawa isme kis ki salaries bhi hai? Salesmen's ki salaries bhi hai. To salesmen's ki jo salaries hoti hai na, ye aap dalte hai selling expense mein. Yani tamam humne sabko deni hai, chahe wo direct labor hai, indirect labor hai, salesman ka worker hai. बारह ये सेलमैन वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया नहीं था, लेकिन ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें आ भी गया है, तो बारह वो कौन से एक्सपेंस में डालेंगे? सेलिंग एक्सपेंस. कोड देखो आप, वर्क इन प्रोसेस का कोड क्यू, एफवर्ज कंट्रोल का कोड एफ, सेलिंग एक्सपेंसेस का कोड देखो ऊपर, मार्केटिंग एक्सपेंस कहीं लिखे थे जी एन, बिल्कुल, और पेरोल का कोड है एल. नेक्स्ट, रिकॉर्डेड एम्प्लॉयर पेरोल टैक्स लाइबिलिटी. अब आप किसकी कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड करो? एम्प्लॉयर. पेरोल टैक्सेस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स आर ट्रीटेड एज एफओएच, मतलब मालिक अपनी तरफ से आप वर्कर के नामों पे टैक्स भरेगा. जब मालिक अपनी तरफ से आप वर्कर के नामों पे टैक्स भरेगा तो वो मालिक का नुकसान है, लेकिन वो नुकसान मैं घर से तो पूरा नहीं करूंगा, उस नुकसान का बर्डन में कहां डालूंगा? प्रोडक्ट की कीमत पर डालूंगा, तो उससे मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या होगा? इजाफा होगा. तो उसके लिए लफ्ज़ कौन सा डेबिट करोगे? FOH कंट्रोल अकाउंट डेबिट जी. और क्रेडिट किसको करोगे? अब जो जो टैक्स में कंट्रीब्यूट करूंगा. अब इस तरह है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें आपको डिटेल नहीं दी हुई कि मैं कौन कौन सा टैक्स कंट्रीब्यूट करूंगा. जब आप आगे क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको बकायदा डिटेल देंगे कि भाई इतने परसेंट में फीका टैक्स कंट्रीब्यूट करूंगा, इतने परसेंट में एसयूआई टैक्स कंट्रीब्यूट करूंगा, बकायदा डिटेल देंगे. लेकिन चूंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें तो डिटेल ही नहीं है. पढ़ो आप, रिकॉर्डेड एम्प्लॉयर पेरोल टैक्स लाइबिलिटी एंड पेरोल टैक्सेस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स आर ट्रीटेड एज एफओएच. यदि यहां डिटेल ही नहीं है कि एम्प्लॉयर कौन कौन सा टैक्स कंट्रीब्यूट करेगा, तो अगर डिटेल ना हो तो इनकम टैक्स के अलावा बाकी सारे टैक्स एम्प्लॉयर क्या कर सकता है? कंट्रीब्यूट कर सकता है. इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, आप इनकम टैक्स का खुद ही जिम्मेदार है. बाकी सारे टैक्सेस एम्प्लॉयर क्या कर सकता है? कंट्रीब्यूट. तो बहरहाल आप इनकम टैक्स के अलावा बाकी सारे टैक्सेस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे डाल सकते हो. क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें डिटेल नहीं है. आप आगे क्वेश्चन करोगे उसमें बकायदा डिटेल होगी, तो आप यहां इनकम टैक्स के अलावा बाकी सारे टैक्सेस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में डाल सकते हो. तो इनकम टैक्स के अलावा कौन कौन से टैक्स है? फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स है, इसका कोड है एच. फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, इसका कोड है एच. फिर फीका टैक्स है, इसका कोड क्या है? आई है. तो फीका टैक्स का कोड आई है, और एक स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट होगा राइट साइड पे, और इसका कोड है ओ. एसयूआई टैक्स ना, एसयूआई टैक्स इसका कोड है ओ, और एफवॉच कंट्रोल का कोड क्या है? एफ. नेक्स्ट, अप्लाइड एफवॉच की एंट्री पास करें. किसकी एंट्री पास करें? अप्लाइड एफवॉच. तो अप्लाइड एफवॉच का कहां डाल देंगे? वर्क इन प्रोसेस में. तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और अप्लाइड एफवॉच अकाउंट क्रेडिट. तो वर्क इन प्रोसेस का कोड है क्यू और अप्लाइड एफवॉच का कोड है ई. बिल्कुल. नेक्स्ट, कंप्लीटेड जॉब नंबर 501. 501 नंबर जॉब क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है. 501 क्या है? ये जॉब का सीरियल नंबर है. 501 क्या है? ये जॉब का सीरियल. जॉब किसको कहते हैं? प्रोडक्शन को. यानी ये मुझे एक ऑर्डर करता है, उस ऑर्डर को मैं फुलफिल करता हूं, तो उसका मैं अपना एक नंबर लगाता हूं, जिसको हम प्रोडक्शन नंबर या जॉब नंबर कहते हैं. तो जॉब नंबर क्या है? ये प्रोडक्शन नंबर है. 501 क्या है? ये एक सीरियल नंबर है. ये 501 नंबर सीरियल वाली जॉब मैंने क्या कर दी है? कंप्लीट कर दी है. कंप्लीट का क्या मतलब? वर्क इन प्रोसेस से निकल गई और कौन सी गुड्स पे आ गई है? फिनिश गुड्स. तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट. बिल्कुल. तो फिनिश गुड्स का कोड क्या है? जे. और वर्क इन प्रोसेस का कोड क्या है? क्यू. और फिर लास्ट पॉइंट है शिफ्ट. शिफ्ट का मतलब सेव होगी. जॉब नंबर 500 कौन सी जॉब? 500 नंबर वाली. टू कस्टमर ऑन अकाउंट. और कस्टमर्स पर सेल होगी और किस पर? ऑन अकाउंट. ऑन अकाउंट का क्या मतलब? कस्टमर जी. तो अकाउंट रिसीवर अकाउंट डेबिट. बिल्कुल. और
सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो अकाउंट रिसीवेबल का कोड क्या है ए और सेल्स का कोड क्या है एम बस ये सारा क्वेश्चन अब देखो फर्ज करें अपन ने पूरा चैप्टर किया हो और ये क्वेश्चन मैंने ना किया हो और ये अगर एग्जाम में आ जाए तो लड़का तो घंटा सोचता रहेगा कि इस क्वेश्चन का करना क्या है समझ तो नहीं पड़ती लड़के को अब आपने कर लिया अब एग्जाम में आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है आप आसानी से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कर सकते हैं तुम्हारा आज हमने ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस किए पहले वाला क्वेश्चन इतना जरूरी नहीं है लेकिन वो तीन नंबर क्वेश्चन का बड़ा जरूरी था तो आप देख लें फिर इंशाल्लाह कल नेक्स्ट आगे मजीद डिस्कस करेंगे ठीक हो गया फाइव नंबर तो रिकॉर्डेड एम्प्लॉयर पेरोल टैक्सेस मैं अपनी तरफ से जितने भी टैक्स भरूंगा वो मेरा नुकसान है वो मैं प्रोडक्ट की कीमत पे डालूंगा एफवॉच कंट्रोल को डेबिट कर देंगे अब मैं कौन कौन से टैक्स भरूंगा इसमें डिटेल नहीं है अगर मैंने कहा ना कि आप आगे क्वेश्चन करो उसमें बकायदा डिटेल होगी आप आगे जाकर देख लेंगे लेकिन चूंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो फिर ये रूल याद रखें कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में डिटेल ना हो तो इनकम टैक्स के अलावा बाकी सारे टैक्स आप डाल सकते हैं तो मैंने इनकम टैक्स के अलावा बाकी सारे टैक्सेस डाल लिया ये तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डिटेल नहीं है तो फिर रूल्स फॉलो करें तो रूल्स ये है कि इनकम टैक्स के अलावा बाकी सारे टैक्सेस आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में डाल सकते हैं तो बस वो मैंने सारे डाल दिए ठीक हो गया ना चलिए इंशाल्लाह फिर कर लेते और ये बकायजात लड़कों ने भी जमा नहीं किए आपको मैंने कहा भी था 3 तारीख हो गई है जिनके बकायजात रहते हैं जमा कर अच्छा कर दिया